हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं प्रभ और आप देख रहे हैं ऑटो बादशाह। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी राइड मेंटेनेंस के बारे में वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूँगा, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, आज की राइड मेंटेनेंस की वीडियो है माइलेज के बारे में, कि कैसे आप खुद अपनी राइड की माइलेज बढ़ा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सब ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको बहुत सारे सजेशंस देखने को मिले होंगे, जैसे कि टायर प्रेशर ठीक रखना चाहिए, क्लच कम यूज़ करना चाहिए, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करनी चाहिए और ना जाने क्या क्या। बट गाइस, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके हिसाब से सभी चीज़ें सिर्फ कुछ हद तक ही इफ़ेक्टिव हैं। उसके बाद माइलेज खुद राइडर पे ही डिपेंड होती है, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा। तो गाइस, आपको ये बात तो मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा ही, बट आइए पहले देख लेते हैं कि मेरी बाइक की जो ट्यूनिंग है कार्बोरेटर की ठीक है कि नहीं। उसे पता करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको अपनी बाइक का प्लग खोल के चेक करना होगा। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि बाइक के प्लग में आपको क्या चेक करना है। सो गाइस, मैं आपको स्पार्क प्लग खोल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमारी जो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है वो ठीक है कि नहीं, वो हम कैसे पता करते हैं। ये देखिए गाइस, ये टूल बाइक के साथ मिलते हैं और मैं इससे स्पार्क प्लग खोलूंगा। अब गाइस, स्पार्क प्लग खुल चुका है। ये आप ज़रा देखिए, स्पार्क प्लग के जहाँ थ्रेडिंग होती है वहाँ पर सारा ब्लैक है, बट ये जो स्पार्क वाला पॉइंट है ये बिल्कुल वाइट है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो स्पार्क जहाँ से निकलता है ये वो पॉइंट है और वो बिल्कुल वाइट है, बाकी आसपास बिल्कुल ब्लैक है। अगर ये आपका पॉइंट वाइट है तो इसका मतलब यही है कि आपकी बाइक की कार्बोरेटर की ट्यूनिंग एकदम परफेक्ट है। चलिए गाइस, अब मैं इसे वापस लगा देता हूँ। खोलने के टाइम तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप स्पार्क प्लग टाइट करते हैं तो उस टाइम ध्यान रखिएगा कहीं आप टेढ़ा मेढ़ा ना चढ़ा दें। अगर आप टेढ़ा चढ़ा देंगे तो आपकी जो हेड की थ्रेडिंग है, जो चूड़ियाँ होती हैं अंदर जो स्पार्क प्लग कसा जाता है घुमा के, तो वो ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए बिल्कुल आराम से कसिएगा और ध्यान से कसिएगा। अपने आप ही अगर आप उसको उसकी जगह पे रखकर घुमाएंगे तो अपने आप ही वो खुद कसा जाएगा, तो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिएगा इसके साथ। जैसे कि आपने देखा, मैंने स्पार्क प्लग से चेक करके बताया कि कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी रॉयल एनफील्ड कितनी माइलेज देगी। मैं दो टेस्ट रन करूंगा, दोनों में कुछ भी चीज़ फ़र्क नहीं है, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग भी वही होगी, सब कुछ, टायर प्रेशर, क्लच भी नॉर्मली यूज़ करूँगा, बट दोनों के जो रिज़ल्ट है वो अलग आएंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, किस वजह से दोनों के रिज़ल्ट अलग आए। फ्यूल भी मैंने एकदम सेम क्वांटिटी यूज़ किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलिए दोस्तों, अपना टेस्ट रन शुरू करते हैं। सो गाइस, ये देखिए, मैंने 100 ml फ्यूल ले लिया है और फ्यूल का जो ये गेज है, पेट्रोल टीज है जो एक्सटर्नल, इसका पाइप मैंने कार्बोरेटर से कनेक्ट कर दिया है।
और अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्पीडोमीटर में कितने किलोमीटर्स हैं। तो ये देखिए गाइस, मीटर रीडिंग देख लीजिए 12930 है। तो चलिए अब अपना टेस्ट रन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट रन स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा, मैंने 100 ml फ्यूल लिया है और अब हम देखते हैं कि हमारी जो बाइक है वो कितनी दूर तक जाती है 100 ml में। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि स्पीड में 80 अबव रखूँ, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो देखनी है आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले टेस्ट रन में मैं स्पीड 80 अबव रखूँगा और दूसरे टेस्ट रन में मैं अपनी स्पीड स्टेबल रखूँगा। और एक और बात कि मैंने स्पेशली इस एक्सपेरिमेंट के लिए शॉर्ट बॉटल यूज़ किया है, और मेरा जो अगला बैंड है जो हेड पे कनेक्ट होता है और देन पीछे फिर शॉर्ट बॉटल एग्जॉस्ट लगता है, तो वो बैंड भी एकदम खाली है। मैंने बिल्कुल फ्री फ्लो यूज़ किया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हम फ्री फ्लो एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं तो बाइक की एवरेज कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि पहले टेस्ट रन में मेरी बाइक कितनी एवरेज देगी और नेक्स्ट टेस्ट रन में देखेंगे कि कितनी एवरेज देती है। बंद हो गई बाइक, फ्यूल बिल्कुल नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है एकदम। और मेरी बाइक लगभग चली है 12937। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ये मेरा फर्स्ट टेस्ट रन था और इसमें मुझे मेरी बाइक ने माइलेज दी है 37 km/l की। 100 ml लिया था, उसके हिसाब से 3.7 km चली है, तो इसका मतलब 37 km/l की। अब मैं सेकेंड रन स्टार्ट करूँगा और अब आप देखिएगा कि मेरी बाइक कितनी माइलेज देती है। तो ये देखिए गाइस, मैंने दोबारा से 100 ml फ्यूल ले लिया है एक्सटर्नल पेट्रोल टी में, और अब आप मेरी मीटर रीडिंग देख सकते हैं 12937। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड टेस्ट रन में कितनी माइलेज देती है मेरी बाइक। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड टेस्ट रन, और मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि सेम 100 ml फ्यूल लिया है, और इस टेस्ट रन में मैं जो अपनी स्पीड है वो 40-50 के बीच में रखूँगा। 50 से ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा और ना ही 40 से कम करूँगा। और आप देखिएगा कि अब मेरी बाइक कितना एवरेज देती है इस स्पीड रेंज में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कहां तक जाती है मेरी बाइक।
गाइस फ्यूल ख़त्म हो गया है, अब बिल्कुल नहीं है। और मीटर रीडिंग में 40.8। सो गाइस जैसे कि आपने देखा, मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है, आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट माइलेज से रिलेटेड। जैसे कि आपने देखा, मैंने दोनों टेस्ट रन में बाइक के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो मेरी बाइक की स्पीड है और जो आरपीएम है उसको स्टेबल रखा। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, पहले रन में बाइक ने अप्रॉक्स 37 kmpl की एवरेज दी, माइलेज दी, और सेकेंड में अप्रॉक्स 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी। तो गाइज आप खुद अपनी बाइक की माइलेज ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपने देख ही लिया विद प्रूफ। खाली रॉयल एनफील्ड ही नहीं, ये हर बाइक के साथ है। अगर आपको लगता है कि आपकी राइड कम माइलेज दे रही है, देन ट्राई इट वंस एंड आई नो आप सेटिस्फाई ज़रूर हों। सेफली राइड कीजिए और फ्यूल भी बचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए सो दैट इस वीडियो की रीच और बढ़ सके, और शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट आपके साथ साथ औरों को भी फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय।